दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोर टक्स ब्लाउज का एड मार्किंग जो है कैसे करना है। ठीक है, ये डाट जो लगा हुआ है चार डाट है इसमें, 1 2 3 4, इन चारों डाटों का मार्किंग कैसे होता है और किस हिसाब से होता है आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका सिलाई मार्क भी दिखाऊंगा आपको और ये भी डाट कैसे लगाते हैं ये भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए इसका 11 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो है चेस्ट पॉइंट जो है 10 साढ़े 10 इंच का है। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ से अब इतना जब ले लेंगे दबाव में तो ये हमारा यहाँ पे 10.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे में मैं आपको मार्किंग करके सिखाता हूँ। ये देखिए अभी इसमें जो है हम लोग मार्किंग करेंगे 11 पे, ये देखिए 11 पे यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देखिए यहाँ तक ये यह हमारा सेंटर है इसका। ठीक है, अब यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पे ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच इधर, ठीक है, और यहीं से 1.5 इंच इधर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये वाला टक से मार्किंग कर लेंगे ऐसे, इसमें इसमें दाबना है 1/2 इंच का। ठीक है, डाट आएगा यहाँ पर टक्स, और ये जो है हमारा पहले इसको कर लेते हैं साइड वाले को, ये देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से 4 इंच ऊपर ले लेना है और ऐसे मार्किंग कर देंगे, और फिर यहाँ से दबाव जो है इसमें 1 इंच यहाँ पर दबाव करना, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर इस मार्किंग से, तो 1/2 इंच इधर आ गया और 1/2 इंच इधर आ गया, ये हमारे 1 इंच का इस साइड वाला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सीधा मार्किंग कर लेंगे, और सीधा मार्किंग करने के बाद ये पूरा हमारा जो टक्स लगाना है डाट, इसको डाट बोलते हैं, इसको टक, कोई टक डाट बोलता है कोई टक्स बोलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी जो पूरा डाट है टोटल ये 1.5 इंच का आएगा, ये 1.5 इंच का दो भाग कर देंगे, एक भाग इधर और एक भाग इधर। ठीक है, ये टोटल 1.5 इंच का है, तो एकदम आधा इधर करना है, 1.5 का आधा इधर। ठीक है, अब यहाँ से सीधा कर लेंगे, यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे, ये हमारा होगा डाट, ये मेन डाट हो गया। ठीक है, चेस्ट का। अब जो है यहाँ से ऐसे 2 इंच ऐसे ऊपर मार्किंग करना है। ठीक है, और मार्किंग करने के बाद इसको जो है इस आर्म होल पे ऐसे रख लेना है। ठीक ना, तो इसमें भी आएगा आपका 1/2 इंच का डाट। अब देखिए आर्म होल में 1/2 इंच का डाट, 1/2 इंच का डाट लगाना है, 1/2 इंच यहाँ पर लगाना है और 1 इंच यहाँ पर और 1.5 इंच मेन डाट। ठीक है, तो इस डाट को मैं सिलाई मारकर आप लोगों को दिखाता हूँ इसको सिलाई मारते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ अपने अंदर वाला डाट, अंदर मतलब जब ब्लाउज पहनती है लेडीज तो उसके अंदर वाला जो आता है ना यहाँ पर उसका है। ठीक है, तो इसका डाट लगा दिखाते हैं आपको, ये हमारे वाला लग गया है। अब लगाएंगे मेन डाट 1.5 इंच वाला। ठीक है, ये हो गया। अब लगाएंगे हम साइड का डाट, डाट बोलिए टक्स बोलिए। ठीक है, साइड वाला टक्स लगा देंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये हो गया। अब बचा है हमारा आर्म होल का डाट, ये भी लगा देंगे, ऐसे। तो हमारा चारों डाट लगाकर ओके हो गया। अब देखिए ये वाला डाट लगा हुआ है,
ठीक है। इधर वाला देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मार्किंग पर नहीं है, मार्किंग से हल्का जो है एक सूत ऐसे ऐसे गोलाई देकर ऐसे हल्का सा लगाया गया है, ऐसे लगाइए आप। ये देखिए, ये भी डार्ट जो है आधा इंच का है, ये भी आधा इंच का है, ठीक है, ये हो गया है। ये देखिए साइड वाला जो है ऐसे, ये मार्किंग पे ही रहेगा 1 इंच का, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो गया। अब इसको जो है ऐसे सीधा कर लेकर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये उठाना आ रहा है, तो चेस्ट जो है इसमें अच्छे तरीके से बैठ सकता है। इसमें आपको पैड लगा के दिखाता हूँ कि पैड कितने अच्छे से बैठता है, तो फिर दिखता कैसे है। ये मैं 38 का पैड लाया हूँ, ये देखिए 38 का पैड है, ठीक है, इसको रख के मैं दिखाता हूँ ये दिखता कैसे। ये देखिए, ये हमारा पैड है, अब इसको इसमें रख देंगे ऐसे। ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से इसका ये बैठ गया है। जब उसको लेडीज पहनेगी तो बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग बैठेगा इसका, ठीक है। ये देखिए अच्छे से बैठ गया इसमें पैड। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।